नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की। पिछला हफ्ता यहाँ पर भी बिकवाली से भरा रहा। जीरे में करीबन 2.66% की गिरावट के साथ ट्रेड हुआ और करीबन 13,920 के स्तर पर जीरे के भाव बंद होते हुए देखे गए। टर्मरिक के अंदर भी ऑलमोस्ट 4.91% की गिरावट रही और भाव करीबन 5,814 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। अगर हम धनिया की बात करें तो धनिए में भी करीबन 1.60% की गिरावट रही और भाव करीबन 6,778 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। हालांकि काफ़ी पिछले 2-3 हफ्तों की तेज़ी के बाद एक हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखी है। हालांकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ी है और जिस तरीके से हमने एक डोमेस्टिक डिमांड बढ़ती हुई देखी है, तो भावों में एक तेज़ी का ट्रेंड बना है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी सभी मसालों में रहेगी। जीरे में अगर सपोर्ट की बात करें तो करीबन 13,600 का एक सपोर्ट रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 14,300 का रहेगा। टर्मरिक के अंदर सपोर्ट करीबन 5,600 का रहेगा, रेजिस्टेंस 6,200 का यहाँ पे रहेगा। अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया के अंदर सपोर्ट करीबन 6,500 का रहेगा और रेजिस्टेंस 7,100 का रहेगा। तो यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो खरीदारी की सलाह सभी मसालों में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम ग्वार सीड और ग्वार गम की बात करें तो यहाँ पर भी हमने गिरावट आते हुए देखी। ग्वार गम के भाव करीबन 7% के आसपास गिरे और 6,206 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं ग्वार सीड के भावों में हमने गिरावट देखी, भाव ऑलमोस्ट 4.79% की गिरावट के साथ 3,958 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जिस तरीके से ग्वार सीड ग्वार गम में गिरावट रही है, तो एक्सपेक्टेड है कि भावों में कुछ और नरमी यहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बारिश हुई है राजस्थान के एरिया में, तो वहाँ पर जिस तरीके से एकरेज बढ़ी है और साथ में ग्वार की जो क्रॉप है वो यहाँ पर कुछ बढ़कर आ सकती है, उसके सेंटिमेंट की वजह से भावों में गिरावट रही है। हालांकि डिमांड यहाँ पर अभी भी है, मगर फिलहाल शॉर्ट टर्म में बारिश होने की वजह से यहाँ पर क्रॉप बढ़ सकती है, जिससे भावों में गिरावट देखने को मिली है और लोकल लेवल पर अराइवल्स भी कुछ बढ़ी हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते ग्वार सीड ग्वार गम के भावों में कुछ ट्रेंड डाउन देखने को मिल सकता है, भावों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि गिरावट का ट्रेंड रहेगा। ग्वार गम के लिए सपोर्ट करीबन 6,000 का रहेगा, रेजिस्टेंस 6,550 का रहेगा। ग्वार सीड के लिए सपोर्ट करीबन 3,800 का रहेगा, रेजिस्टेंस करीबन 4,100 का रहेगा। तो ग्वार सीड ग्वार गम के भावों में अगले हफ्ते के लिए गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम अब चने की बात करें तो पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते में भी चने में हमने बढ़त बनते हुए देखी और भाव करीबन 3.50% की गेंस के साथ 4,967 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है और अराइवल कम हुई है, साथ में बारिश ज़्यादा होने की वजह से MP और राजस्थान के कुछ इलाकों में क्रॉप को नुकसान होता हुआ दिखाई दिया है, जिससे भावों को सपोर्ट मिला है। यहाँ पर महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 4,700 का रहेगा, रेजिस्टेंस 5,200 का रहेगा। ट्रेंड पॉजिटिव है, तो एक्सपेक्टेड है कि चने के भावों में अगले हफ्ते भी तेज़ी दर्ज की जा सकती है, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह ली जा सकती है। वहीं अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो सोयाबीन के अंदर हमने इस हफ्ते एक गिरावट का ट्रेंड देखा है। भाव ऑलमोस्ट 1.95% की गिरावट के साथ 3,930 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। हालांकि अगर हम फंडामेंटल साइड जाएँ तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से इंदौर, MP और महाराष्ट्र के कुछ प्रोड्यूसिंग एरियों में ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्रॉप को नुकसान हुआ है। क्रॉप के जो नुकसान का एस्टीमेट है, ऑलमोस्ट 10-15% के आसपास क्रॉप नुकसान हुई है, जिससे भावों को यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्रॉप के अंदर एक्सपेक्टेड है कि फली नहीं आ पाएगी, जिससे आगे भी क्रॉप को कुछ और नुकसान देखने को मिल सकता है। तो अराइवल ऑलरेडी कम है और शायद में हो सकता है कि क्रॉप को नुकसान होने की वजह से प्रोडक्शन की फिगर में भी कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे। हालांकि सोयाबीन की एकरेज जो है इस साल बड़ी है, तो हमें लगता है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म में भावों में सपोर्ट रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से क्रॉप को नुकसान हुआ है तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। सोयाबीन के अंदर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट करीबन 3,850 का रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 4,150 का होगा। वहीं अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों ने इस हफ्ते भी आउट परफॉर्म किया है। भाव करीबन 3.19% के गेंस के साथ 5,398 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। तो सरसों के अंदर हमें लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, सरसों के अंदर खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पर सपोर्ट करीबन 5,200 का रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 5,500 का रहेगा। तो सरसों के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। यहाँ पर फेस्टिवल डिमांड की वजह से भाव ऊपर आए हैं, साथ में क्रॉप के अराइवल कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। साथ में अगर देखें तो हेफेड की तरफ से भी यहाँ पर खरीदारी बनते हुए दिखाई दी है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो एक्सपेक्टेड है सरसों के अंदर भी आने वाले दिनों में तेज़ी का ट्रेंड बरकरार रह सकता है। वहीं अगर हम अब कपास कॉटन की बात करें तो कॉटन के अंदर हमने गिरावट देखी है।
1.41% की गिरावट के साथ कॉटन के भाव करीबन 17,520 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम कपास की बात करें तो कपास के अंदर भी 1.35% की गिरावट रही। तो कॉटन कपास में हमने देखा है कि स्टॉक कम होने की वजह से यहाँ पर एक सपोर्ट मिला है और भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि अब अराइवल का सीज़न है भारत के अंदर, गंगानगर में एक अच्छी अराइवल अपने बनती हुई देखी है, हरियाणा में सिरसा के अंदर हमने अच्छी अराइवल बनते हुए देखी है। तो अराइवल का प्रेशर कॉटन पर रहेगा और एक्सपेक्टेड है कि कॉटन के भावों में आने वाले दिनों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट है करीबन 17,100 का रहेगा, रेजिस्टेंस करीबन 17,900 का हो सकता है। तो कॉटन कपास के भावों में अराइवल बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट, भावों में प्रेशर मिल सकता है और भाव नीचे आ सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे इस पॉडकास्ट से काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।